संतां दे हत्थां विच फड़िया तीर दे वर्गा नी धक्के नाल जीनू दब लौंगे कश्मीर दे वर्गा नी हो गर गर सवालिया मर्दां दा जनाब कहिंदे आ कह कह के बदले लैंदा इनू पंजाब कहिंदे आ ओ दिल्ली भी दब लैंदा इनू पंजाब कहिंदे आ। सत श्री अकाल सारिआं नूं, सत श्री अकाल भाई। उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला च होंगे। भाई जिहड़ा मैं वादा कीता सी गाणा है ना पंजाब माई मदरलैंड, वीडियो थोड़ी लेट जरूर हो गए पर मैं इन्नी कु थोड़े नाल वादा करदा भरा। हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल दे पंजाब हब दे उत्ते पहुँच चुके हाँ जी एक होर नवी वीडियो दे नाल। तां जिन्ने भी दोस्त इस वीडियो दे नाल नवे जुड़े हन, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते वीडियो नूं लाइक जरूर करिओ। सो दोस्तों जिवें तुहानूं पता है कि सिद्धू मूसेवाले वल्लों ऐलान कीता गया सी कि सिद्धू मूसेवाला छेती ही किसानी संघर्ष नूं लैके गीत गाउणगे। सो दोस्तों उहनां वल्लों अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम दे उत्ते इक स्टोरी शेयर कीती गई है, जिस विच कि दोस्तों उहनां वल्लों कहा गया है कि यह गाना छेती ही रिलीज़ होगा। इस तो अलावा दोस्तों उन्होंने वालों इस गाने का पोस्टर भी जो अपने सोशल मीडिया के उत्ते रिलीज़ कर दिया गया है। सत श्री अकाल सारिआं नूं, सत श्री अकाल भाई। उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़दी कला च होंगे। भाई जिहड़ा मैं वादा कीता सी गाना है ना पंजाब माई मदरलैंड, वीडियो थोड़ी लेट जरूर हो गए पर मैं इन्नी कु थोड़े नाल वादा करदा भरा, जिन्ने बंदे ने मैनूं सुन रहे हो इस वक्त, जिन्हां ने मेरे गाने सुने ने, ठीक है ना, भी वेट जिहड़ी कीती आ तुहानूं वर्थ होगी। गाना सुनोगे तां लू कंडा खड़ा होगा ते बाबा सुख रखे, सारा कुछ घेंट है। दोस्तों इस स्टोरी दे अगे सिद्धू मूसेवाले ने गल की कि उन्होंने एक बार फिर तो एक होर नोटिस मिल चुका है। दोस्तों तुहानूं दस दी किसी सोशल एक्टिविस्ट वालों सिद्धू मूसेवाले नूं नोटिस दिता गया है कि वह गन कल्चर नूं प्रमोट कर रहे हैं, नौजवानों के हथियारों के चलन में बढ़ावा देंदे हैं, जिसका रिप्लाई देंदे दोस्तों सिद्धू मूसेवाले वालों भी इस स्टोरी के अगे गलबात की गई कि यह नोटिस नूं वह किस तरह लेंदे हैं। इस तो अलावा दोस्तों सिद्धू मूसेवाले वालों अजिहे सोशल एक्टिविस्ट के उत्ते भी सवाल चुके गए हैं, जो कि दोस्तों इन्हां दिनों के जिन्हां दिनों के कि किसानी संघर्ष जोरां ते है, उधर जोर लाने की बजाय पंजाब के सिंगरां नूं भंडण दे विच लगे हुए हैं। उन्हां वल्लों यह भी कहा गया कि गन कल्चर के गाने गाना कोई माड़ी गल नहीं है। उन्हां वल्लों साफ किया गया कि वह किसी भी कोर्ट के जिथे भी उन्होंने बुलाएंगे वह अपनी सफाई जरूर देंगे, तत्थां के आधार के उत्ते गलबात करन वह किसी वेले भी तैयार हैं। तो दोस्तों इस समय सानू सारिआं नूं चाहिदा है कि किसानी संघर्ष नूं वध तों वध सपोर्ट करनी चाहिए है, तो इस समय कोई पुठियां सिद्धियां हरकतों के उत्ते ध्यान नहीं देना चाहिए। एक गल होर करनी सी, मैं मैनूं तां रोज़ ना यार आ नोटिस जे भेजदे रहिंदे ने, उही मन च गल सी, गल तां मैं तुहानूं गाने बारे दस्सणी सी। नोटिस भेजदे रहिंदे ने वी इह गन कल्चर है जी, इह हथियार वाला कल्चर है जी। अज वी मैनूं इक पता नहीं कित्थों दी लुधियाणे दी कोई सोशल एक्टिविस्ट है, मैं तुहानूं इन्नी गल कहना सोशल एक्टिविस्ट जिहड़ा एक्टिव जो भी हैगा तुसीं, वी यार गन कल्चर ना सर सी कदे हथियार तों बिना रहि सकदे ना जिउ सकदे हो। साडे गुरुआं ने कहा हथियार ना हथियार बिना बंदे की गति है, ठीक है, मर्द बंदे की निशानी है हथियार, ना असं हथियारों की तारीफ करनों खुंझ सकते हैं ना वह जो गाणों खुंझ सकते हैं। जे थोनू हाँ जे थोनू पहली गल तो यह टाइम यह जहा भी जो तुम सोशल एक्टिविस्ट होना है ना, किसान अच्छ सड़कों पर बैठा उन्होंने एक्टिविटी करो, ठीक है, आ थोड़े तुम आ मेरे तो कंप्लेटा बाद चो दे दो, मैं इतनी ही हाँ, मैं कितने नहीं आता ना, मैं थोड़ी तरीकों तो भजदा, ठीक है, जिते बुलाऊंगे उत्थे आऊँगा, ठीक है ना, जी गल का जवाब मंगोगे तत्थों के आधार से सारिया गल है ना। जो तुम सोशल एक्टिविटी सच इन इन यानी कि इन रियल वर्ड्स तुम सोशल एक्टिविटी करनी है, गो टू द डेली है ना, हैल्प द फार्मर्स, ठीक है ना, मेरे ते कंप्लेटा बच लो, मैं तो इतनी हाँ। दूजी गल ए जे थोनों कोई चीज़ नहीं चंगी लग रही नहीं सुनते ना ब्लॉक करो, जो थोड़े तुम इन्नी गड़स वाले हो लोगों सुन में हटा लो मेरे गाने, ठीक है ना, ये काम से जोर दौ, कंप्लेटा देने ना कुछ बन सक, हरेक बंद का जन्म सिद्ध अधिकार है इतने है ना, दिस इज इंडिया, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इतने सारियां नू हक है अपनी गल गाउण दा, अपनी गल रखण दा, इंडिविजुअलिटी है स्पीच करन दी गाउण दी, ठीक है, कोई किदां दा भी गा सकदा है, किसी बंदे नू तुसीं रोक नहीं सकदे, थोड़े हक दे विच कोई शक्ति नहीं, कंप्लेंटा करो जो मर्जी करो, ठीक है, जिथे असीं सही हाँ उत्थे सही हाँ। जे तुसीं मैनूं सच्चे विरोध करना चाहुंदा मेरे गाने सुणन नूं हटा दो, ब्लॉक कर दो मेरा चैनल, ब्लॉक कर दिओ, सुणन नूं हट जाओ, ठीक है ना मेरा वीर, ये काम ना करो वीरे, इट्स कंप्लीटली जेलसी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਡੈਲੀ ਹੈਲਪ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੈਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋ
fuck with him, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀ ਮਾਂਗਡੋਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀ ਮਾਂਗਡੋਰਾ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਤਰੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੰਬੂ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਲਾਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਐਲੀ ਮਾਂਗਡ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਆ ਫਿਰ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਹੈ? ਦਾਸ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਗੋਦੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾ ਉਸ ਬਾਤ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਸਰ। ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਆ ਕਰੇਂਗੇ? ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਖਬਰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਜ ਸੱਚ ਕੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾਏ, ਜੁੜ ਕੇ ਖਬਰ ਉਸੇ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਖਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿਆ ਆਪ, ਜਬ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਦਿਖਾਣੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਇਹ ਦੰਦਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਇਹ ਦੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਗਲਤ ਦੰਦਾ ਹੈ।
बिल्कुल जी कवरेज करनी ना कवरेज करनी करी जो जो तुम्हारा काम है कवरेज करना जो काम करो ऐसा थोड़ी होता सच्ची बात कहो सर की बात उनके क्या बात है उनको क्या कह रहे हैं वो भी किसान है वो भी हमारे भाई हैं वो बिके हुए नहीं है मीडिया की तरह वो नहीं बिके मीडिया की तरह उनका जुनून रहा भी है आप अपने मंच के लोगों की बात नहीं मैं आप इस मीडियो पर ही आके बोलूंगा ये सच्ची बात ये गोदिया मेरा बिका हुआ है और बिका हुआ है हमारी बात भी ना कर लेंगे शुरू करने के लिए पार्ट करो जी मैं तो करता गोदी मीडिया ने खांदे रोटी नहीं आप देख रहे हो पपी पर मैं हूँ आपके साथ शिखर शर्मा लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग गोदों से एक एक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं एक ये जो खबर पहुँचा रहे हैं बिल्कुल गलत पहुँचा रहे हैं बिल्कुल झूठी खबर पहुँचा रहे हैं झूठी खबर पहुँचा रहे हैं ये गोदी मीडिया है ये रोटी खाते गोदी की बात करता है रोटी खाते है किसान की बात नहीं करता ये मीडिया है बिल्कुल बिल्कुल गलत झूठा मीडिया है झूठा मीडिया है मैं खुश कब होगा जब आप ना बिकेगा जब आप सच्ची खबर सुन रहे होंगे इसको चालू करो आप सच्ची खबर सुन रहा हूँ रोटी खा के किसान की अभी नहीं खुश कब होगा जवाब खुश हो गए खुश तब होगा जब खुश हो गए जब बिलवास हो गए जब बिलवास हो गए बिल्कुल जब बिलवास जब मीडिया में क्या हुआ मीडिया में पर दोस्तों ये सन जी अज दिन कुछ छोटिया व्डिया खास अपडेट्स जेकर वीडियो चंगी लगती है वीडियो को लाइक शेयर तो चैनल में सबसक्राइब करके अपना प्यार जरूर दियो जिन्होंने साडे इंस्टाग्राम पेज में फॉलो नहीं किया सानू उत्थे जाके भी फॉलो जरूर करो लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जूगा तो दोस्तों मिलते हैं अज किसी होर नवी वीडियो के नाल।